subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ की ग्रैंड एंट्री होने वाली है और ग्रैंड एंट्री के साथ रश्मि देसाई का कुर्बान वाला टास्क देखने को मिलेगा। जी हां, आप कुर्बानी होने वाली है शुरू, जहां अरहान को डिच करके रश्मि देसाई सिद्धार्थ का सपोर्ट करने वाली है। लेकिन ऐसी क्या वजह होगी? तो बता दें, अरहान और रश्मि देसाई में तो अभी अनबन चल ही रहे हैं, जहाँ अरहान की छोटी छोटी बातें रश्मि को पसंद नहीं आ रही है। जी हाँ, अरहान की जिंदगी से बहुत से खुलासे हुए हैं। रश्मि देसाई को उससे फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क उसके व्यवहार और उसके गलत तरीके से पड़ता है। और टास्क के दौरान ऐसी कई बार चीजें होंगी जिससे रश्मि देसाई को इनसिक्योरिटी फील होगी और इनसिक्योरिटी के कारण वो अरहान को नॉमिनेट कर देगी। जी हाँ, अरहान को नॉमिनेट करके वो सिड को बचाने वाली है, क्योंकि सिड आते ही देंगे रश्मि देसाई को बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि रश्मि देसाई नहीं कहती है कुछ भी ऐसा वैसा। लेकिन जैसे ही रश्मि देसाई ने ये कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला पागल खाने जा चुके हैं, जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला पागल खाने जा चुके हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट रश्मि देसाई ने दिया, तो ये प्यार प्यार में सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई को छुरा भोंकने वाले हैं। जी हाँ, रश्मि देसाई को उसकी अपनी औकात दिखाने वाले हैं, जहाँ कुर्बानी के साथ साथ होगा एक और टास्क जहां पर दी जाएगी पावर, और वो पावर सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि किसी और कंटेस्टेंट के लिए करेंगे। पर वो कौन कंटेस्टेंट होने वाला है? क्या वो सना या फिर आसिम? क्योंकि सना को तो नहीं कर सकते सिद्धार्थ, यानी कि आसिम को करेंगे। यानी कि एक तरीके से एक दूसरे की दोस्ती वापस आ रही है। जब ये दोस्ती टीवी पर दोबारा दिखाई देगी तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड होंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि आसिम और सिड वापस से एक हो जाए? तो जरूर शेयर कीजिए अपने कमेंट के थ्रू, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।